हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड सेकंड ईयर का पेपर 12th गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फॉर्म ऑफ गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल। एक विद्यालय के अंदर किस किस प्रकार के गाइडेंस या परामर्श देने की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। नए एजुकेशन पैटर्न या एजुकेशन सिस्टम में जब एडवांसमेंट हुई तो उसके बिहाफ पर हमें देखने को मिला कि आजकल स्कूल के अंदर एक गाइडेंस या काउंसलर स्कूल के अंदर अपॉइंट किया जाता है। थोड़ा सा अगर आप पहले के एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे हम, तो उसमें आप क्या पाएंगे कि सिर्फ जनरल टीचर ही होते थे और वो सिर्फ किस चीज के ऊपर ध्यान देते थे कि बच्चे को सिर्फ रोट मेमोरी के ऊपर रट्टा मरवाते रहिए, हर टाइम उसको थ्योरेटिकल ज्ञान, सिद्धांतिक ज्ञान जो है वो दिया जाना चाहिए, उसके अदर एस्पेक्ट्स की डेवलपमेंट की बात नहीं करी जाती। लेकिन आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे। बीइंग अ टीचर, जो आप लोग बीएड कोर्स कर रहे हैं, बीएड करने के बाद आप टीचर बन जाएंगे, तो जब एक आप अध्यापक बन जाएंगे तो अध्यापक टीचर के प्रोफेशनल, अगर हम प्रोफेशनल स्किल्स या एबिलिटी की बात करते हैं, तो उसमें टीचर का रोल एक इंस्ट्रक्टर का भी होता है, टीचर का रोल एक हेल्पर का भी होता है और टीचर का रोल एक गाइडर का भी होता है। तो जब टीचर एक गाइडर का रोल प्ले कर रहा है तो उस गाइडर को रोल को प्ले करते हुए उसे कौन कौन सी सेवाएं अपने स्कूल के अंदर देनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक जब बच्चे को पढ़ा रहा है तो अध्यापक का काम केवल इतना नहीं है कि जो विषय वो पढ़ा रहा है उस विषय के बारे में ही उसे जानकारी देनी है, नहीं, उसके साथ साथ जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उनको अवेयर करना है हर तरह के वोकेशनल प्रोग्राम के बिहाफ पर या उनकी लाइफ में आने वाली समस्याओं को सॉल्व करना। हम अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो 9 to 5 की जॉब है, 9 to 4 की जॉब है, तो उसके अंदर हमारा काम केवल इतना नहीं कि हमने जस्ट एक लेक्चर लिया, हमने पढ़ा दिया और हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। एक टीचर जब क्लास में बच्चों से इंटरेक्ट हो रहा है तो उसके हर एस्पेक्ट को उसने डेवलप करना है। शिक्षा तो देनी ही है, उसको पढ़ाना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर बच्चा किसी भी तरह की समस्याओं को फेस कर रहा है, उन समस्याओं को क्या करना है, दूर करना है। हम कहें कि हर कोई व्यक्ति जो है वो विकास करता है, तो जब विकास क्रम लगातार हो रहा है तो समस्याएं भी क्या आती हैं, लगातार आती हैं। चाइल्डहुड पीरियड है तो उसमें समस्याओं का जो रूप है वो कुछ अलग होता है। एडोलसेंस पीरियड को वैसे ही स्ट्रेस स्ट्रॉन्ग कहा जाता है कि वो बिल्कुल ही उद्दंड जो है वो अवस्था होती है, स्ट्रेसफुल अवस्था होती है, तो वहाँ तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम एक बच्चे के द्वारा फेस करी जाती हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एडोलसेंस के लेटर एडोलसेंस में आ जाता है, तो उसको अपने फ्यूचर की टेंशन सताने लग जाती है, उसे ये लगता है कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग उसको जो है वो मदद करनी नेसेसरी है। तो मींस एक स्कूल के अंदर या कहीं पर भी जब एक अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो क्या है, उसके प्रोफेशनल एथिक्स हैं कि केवल पढ़ाना ही उसका काम नहीं है, बाकी जितनी समस्याएं हैं बच्चे की, उन सभी समस्याओं को दूर भी उसे किया जाना चाहिए। तो वही चीज हम देखेंगे कि एक स्कूल के अंदर किस तरह से गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकती हैं। तो स्कूल के अंदर गाइडेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के हमारे पास क्या है, तीन तरीके, तीन फॉर्म्स हैं। पहली है इसके अंदर, दैट इज सेंट्रलाइज्ड फॉर्म, दूसरी है इसके अंदर डिसेंट्रलाइज्ड, और तीसरी है इसके अंदर मिक्स्ड फॉर्म। आप इन्हें फॉर्म भी कह सकते हैं, आप इन्हें टाइप भी कह सकते हैं कि स्कूल के अंदर गाइडेंस देने के तरीके कौन कौन से हो। सबसे पहला क्या है हमारे पास, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म। जो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म है इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो गाइडेंस या परामर्श दिया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, वो किसके थ्रू दिया जाएगा, दैट इज गिवन बाय द एक्सपीरियंस पर्सन।
या हम क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस पर्सन हो गया, इसके साथ साथ जो काउंसलर और गाइडर अपॉइंटेड इन स्कूल, जो स्कूल के अंदर कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई काउंसलर है जो अपॉइंट किया गया है, उसके द्वारा क्या दी जाएगी, हर तरह की जानकारी या हर तरह की गाइडेंस की बारे में बताया जाएगा, बच्चे की हर तरह की समस्याओं को समझा जाएगा और उसके रिगार्डिंग हर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उसे गाइडेंस जो है वो दी जाएगी। यहाँ उसका चाहे पर्सनल एस्पेक्ट है, चाहे उसका सोशल एस्पेक्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट्स है, मेंटल एस्पेक्ट्स है, हर तरह की जानकारी या हर तरह की समस्याओं को निजात किसके द्वारा किया जाएगा, जो एक एक्सपीरियंस पर्सन स्कूल के अंदर अपॉइंट किया हुआ है, चाहे वो काउंसलर है और चाहे वो क्या हो, गाइडर या फिर साइकोलॉजिस्ट हो। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म की। जो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है इसके अंदर जो है हम कहें कि एक गाइडेंस या एक काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि स्पेसिफिक जो है वो किसके लिए रखा गया है, गाइडेंस प्रोग्राम के लिए रखा गया है, नहीं। यहां पर हम क्या देखेंगे, जो टीचर है, टीचर प्ले सेंट्रल रोल, कि मेजर रोल जो है वो किसके द्वारा निभाया जाएगा, अध्यापक के द्वारा जो है वो निभाया जाएगा। हर तरह की गाइडेंस असिस्टेंस जो है दैट इज गिवन बाय द टीचर। अध्यापक के द्वारा हर तरह की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। हम कहें कि डिसेंट्रलाइज्ड जो फॉर्म है वो स्कूल के अंदर थोड़े से छोटे लेवल तक हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, प्लस वन प्लस टू में हो गए या एडोलेसेंस पीरियड के अंदर उनके अंदर कोई समस्या आ रही है, तो वहां हमें किसी ना किसी स्पेशल पर्सन की या गाइडेंस गाइडर की जो है वो आवश्यकता होती है, जो किसमें आता है, हमारा सेंट्रलाइज्ड के अंदर आता है। अब तो जब हम कहें कि मिडिल क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, वहां तक जो बच्चों की समस्याएं हैं वो एक जनरल जो टीचर है, अध्यापक है, वो भी गाइडर का रोल प्ले करते हुए उसकी समस्याओं को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर टीचर जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस पर्सन या काउंसलर जो स्कूल में अपॉइंट हुआ है वो इसके अंदर मेजर रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड फॉर्म की। मिक्स्ड फॉर्म में क्या होगा, टीचर एंड काउंसलर, जो काउंसलर है और टीचर है दोनों ही जो है वो कोलैबोरेटिव मैनर से, कोऑपरेशन मैनर से, बोथ हार्ड वर्क, टीचर एंड काउंसलर बोथ वर्क फॉर गाइडेंस, दोनों ही जो है वो गाइडेंस के लिए काम करेंगे, दोनों इकट्ठे जो है वो रहेंगे, कलेक्टिव मैनर के अंदर गाइडेंस जो है वो दी जाएगी, जहां एक टीचर क्या है, किसी भी बच्चे की जो जानकारी है वो काउंसलर के साथ शेयर करेगा और काउंसलर जो बच्चे की पर्सनल या किसी भी तरह की समस्या है उसके बारे में टीचर से शेयर करेगा और दोनों आपस में मिलकर किसी भी स्टूडेंट की कैसी भी समस्या है उसे सॉल्व करने की क्या है, कोशिश करेंगे। तो हमने क्या देखा है कि हमारे पास जो स्कूल के अंदर गाइडेंस सर्विसेज प्रोग्राम देने की क्या तरीके हैं, हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं, तीन तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, सेंट्रलाइज्ड, दूसरा क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड, और तीसरा क्या है हमारे पास, मिक्स्ड फॉर्म। सेंट्रलाइज्ड फॉर्म के अंदर हम क्या देखते हैं कि जहां गाइडेंस या परामर्श किसके द्वारा दिया जा रहा है, एक एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू या गाइडर या काउंसलर जो अपॉइंट हुआ है उसके थ्रू दिया जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि जहां एक गाइडर या काउंसलर का रोल किसके द्वारा निभाया जा रहा है, सामान्य अध्यापक या जनरल टीचर के द्वारा निभाया जा रहा है, वही जो है वो हर तरह की देखरेख गाइडेंस के प्रोग्राम को करता है और बच्चों की समस्याओं को सुनता है और उसे सॉल्व करता है। जब हम मिक्स फॉर्म की बात कर रहे हैं तो मिक्स फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि जो टीचर और काउंसलर हैं दोनों ही इकट्ठे जो है कोऑपरेटिव मैनर से समस्याओं को सॉल्व करते हैं और बच्चे को फर्दर आगे फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल, कि स्कूल में जब कोई भी गाइडेंस सर्विसेज ऑर्गेनाइज करनी है तो उनमें किन बेसिक चीजों को ध्यान रखा जाना चाहिए।
बेसिक असम्पशंस रिगार्डिंग द स्कूल गाइडेंस सर्विसेज. सबसे पहले वो कहता है स्कूल गाइडेंस सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? संस्थाएं. तो मतलब स्कूल के अंदर एक गाइडेंस सर्विस देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का क्या है, निर्माण करना, जिसके अंदर कम से कम 8 या 10 लोग हों जो कि समस्याओं को सुने और हर तरह की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करें. यानी कि स्कूल गाइडेंस सर्विसेज ऑर्गेनाइज की. और सभी का एक क्लियर और मुख्य उद्देश्य क्या हो कि समस्या को सॉल्व करना और बच्चे को हर तरह से एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज या एजुकेशन से संबंधित समस्याओं के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें. नेक्स्ट आता है जॉब डिसीजन. किसी भी जॉब के प्रति बच्चे को जो डिसीजन लेना है उसके लिए उसे प्रिपेयर करना और फिक्स्ड उसको जो गाइडेंस देनी है वो फिक्स्ड रहे कि इस तरह से उसे क्या है समझाया जाना है. असाइनमेंट असाइन टास्क या असाइनमेंट टास्क. स्कूल के अंदर बच्चों से किसी भी तरह के असाइनमेंट टास्क लिए जा सकते हैं, असेसमेंट टास्क. इन असाइनमेंट टास्क का क्या होगा कि वो बच्चे को कहीं ना कहीं असिस्ट करने में, उनका इवेल्युएशन करने में क्या करेगा, टीचर की मदद करेगा, उसकी हेल्प जो है वो करी जाएगी. जब वो हेल्प करी जा रही है तो उससे हम क्या देखेंगे कि एक परफेक्ट डाटा टीचर्स के पास आएगा और उस डाटा को कलेक्ट करके या उस डाटा को ऑब्जर्व करके वो अच्छे तरीके से बच्चे की समस्याओं का निदान कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है इसमें डिफाइनिंग ऑफ वर्कर. जो वर्कर्स यानी कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको हमने गाइडेंस का प्रोग्राम देना है या गाइडेंस की सर्विसेज के बारे में बताना है, किसकी क्या जो है वो वर्किंग होगी, कौन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का काम करेगा, कौन उसके अंदर प्लेसमेंट के बिहाफ पर काम करेगा, किसका फॉलोअप का वर्क होगा, हर तरह का हर पर्सन की जो है वो वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना और उसको जो है वो समझा देना कि आपने ये काम करना है और आपने ये काम करना है. नेक्स्ट आता है इसके अंदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की क्या होंगे, अलग अलग प्रकार होंगे कि कोई तो जो है वो शिक्षा के उद्देश्य या एम ऑफ इंस्टीट्यूट्स के बिहाफ पर बात कर रहा है, कोई क्वालिटी के बिहाफ पर बात कर रहा है, कोई नंबर ऑफ प्लेसमेंट के बिहाफ पर बात कर रहा है, कोई इकोनॉमिकल सोर्सेज के बिहाफ पर जो है वो बात करेगा. यानी कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो गाइडेंस के बिहाफ पर काम करेगी, उनके अंदर जो वर्कर है उनके बिहाफ पर हर किसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर देना. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल्स. क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जब किसी भी सर्विस, गाइडेंस सर्विस को स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उनके मेजर मुख्य सिद्धांत क्या होने चाहिए. प्रिंसिपल्स के अंदर सबसे पहला हमारे पास प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट सेंटर्डनेस. विद्यार्थी केंद्रित सिद्धांत कि जो गाइडेंस सर्विसेज या गाइडेंस ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है उनका सिद्धांत काम करने का क्या होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड. बाल केंद्रित. बाल केंद्रित का मतलब जहां एजुकेशन बाल केंद्रित हो गई तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसे क्या देनी, गाइडेंस देनी और उसकी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना. प्रिंसिपल ऑफ ट्रेन्ड काउंसलर. स्कूल के अंदर जो अपॉइंट करे गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पर्सन दैट शुड बी ट्रेन्ड.
एक्सपीरियंस पर्सन को जो है वो काउंसलिंग के बिहाफ पर अपॉइंट किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं, समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर एक अनएक्सपीरियंस पर्सन को रखा जाएगा तो उससे तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसलिए ट्रेन काउंसलर को जो है वो रखना। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसके अंदर हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो जहां स्कूल के अंदर टीचर उसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं या काउंसलर उसके बिहाफ पर काम कर रहा है, तो उसका मेजर काम होना चाहिए कि वो पेरेंट्स के साथ क्या हो, अच्छे संबंध बनाए। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, दैट इज द फर्स्ट सोर्स टू गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चाइल्ड, कि वो एक बच्चे की अच्छे से और सही जानकारी जो है वो दे पाते हैं। फैमिली के बारे में डाटा लेना है, पर्सनल डाटा लेना है, तो वो सब चीज कहाँ से आती है, पेरेंट्स के बिहाफ पर जो है वो आती है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स। नेक्स्ट वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस सर्विस फॉर ऑल। Availability of guidance program for सभी को ध्यान में रखते हुए, बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसकी जो फैसिलिटीज हैं वो सभी को अवेल हो, सभी को फायदा हो, इस तरह से गाइडेंस प्रोग्राम को स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ। व्यक्तिगत मदद का सिद्धांत, हमने कह तो दिया कि सभी के लिए जो है वो प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन हम कई बार क्या देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति अलग अलग है, तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समस्याएं भी हमें क्या देखने को मिलेगी, अलग अलग देखने को मिलेगी। किसी में पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है, किसी की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई बच्चा इमोशनली ज्यादा डिस्टर्ब है, किसी को सोशल डिस्ट्रेक्शन हो चुका है। तो जहां समस्याएं अलग अलग हैं तो उसके बिहाफ पर जो गाइडेंस ऑर्गेनाइजेशन है या सर्विसेज हैं वो इंडिविजुअल हेल्प को भी जो है वो फॉलो करें। जहां व्यक्ति को पर्सनल अलग से व्यक्तिगत समस्या के बिहाफ पर मदद चाहिए तो वो मदद भी जो है वो करी जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। जो गाइडेंस का काम किया जा रहा है वो जो गाइडेंस का काम है दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, वो हमेशा क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल। ये एक हम कहें कि एक गाइडेंस के एथिक्स में भी आता है, और उसके साथ साथ टीचर्स जब एक गाइडेंस का रोल प्ले कर रहा है तो उसके भी एथिक्स के अंदर आता है कि वो जो जितनी भी उसको गाइडेंस की हेल्प दे रहा है वो सब क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग वेरियस गाइडेंस टेक्निक। वेरियस गाइडेंस अलग अलग प्रकार की जो गाइडेंस टेक्निक है उनको फॉलो किया जाना चाहिए गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर। हम कहें कि अगर इंडिविजुअल पर्सन है उनकी समस्याएं अगर अलग अलग हैं तो उन सभी समस्याओं को टेकल करना, उन सभी समस्याओं के बिहाफ पर काम करना, वो भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सिर्फ एक ही तरीके से तो हम सभी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके बिहाफ पर अलग अलग जितनी भी गाइडेंस की टेक्निक है उन सभी टेक्निक्स को क्या करना, फॉलो करना, और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए स्कूल के अंदर क्या किए जाने चाहिए, गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए।
प्रिंसिपल और स्टूडेंट सेंटर्डनेस के ऊपर होना चाहिए सबसे पहले तो बात कहते हैं कि किसी भी तरह की जो समस्या है उसके बिहाफ पर जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है दैट शुड बी द चाइल्ड सेंटर्ड। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेन्ड काउंसलर, स्कूल के अंदर अनुभवी व्यक्ति को जो है वो काउंसलिंग के बिहाफ पर रखा जाना चाहिए ताकि समस्याएं अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाए। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, जो अभिभावक हैं उनके साथ एक हेल्दी इंटरेक्शन बना के रखना, क्योंकि उससे जो बच्चा है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसका बिहेवियर किस तरह से मोल्ड हो रहा है, उन सब तरह की जानकारी पेरेंट्स के साथ शेयर होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम फॉर द ऑल, जो गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं वो सभी के लिए क्या होने चाहिए, बेनिफिशियल होने चाहिए, हेल्पफुल होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल हेल्प, जहाँ व्यक्ति को व्यक्तिगत आवश्यकता है हेल्प की, पर्सनल जो है प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को उसे सॉल्व करना है तो उसके बिहाफ पर जहाँ पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता है वो हेल्प भी उसे प्रोवाइड करनी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी उनके साथ कोई भी सॉल्यूशन दिया गया, किसी भी तरह की बातचीत हुई है तो ये अश्योरिटी उसे दिलाना कि जो आपसे बातचीत हो रही है वो क्या रहेगी, कॉन्फिडेंशियल। क्योंकि इस तरह से हम क्या कहते हैं कि जो काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होता है और व्यक्ति जो हेजिटेट हो रहे हैं वो भी अपनी समस्या को दूसरे के सामने रखने में फेस आसानी से करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग वेरियस गाइडेंस टेक्निक, जो अलग अलग तरह की गाइडेंस टेक्निक है उन सभी तकनीकों को उपयोग किया जाना चाहिए। जिस भी तरह की समस्या है, किसी भी एक ही तरीके से हम कहें कि एक इंडिविजुअल पर्सन की जो प्रॉब्लम है या एक इंडिविजुअल पर्सन को जिस तरीके से हैंडल किया गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से दूसरे पर्सन को भी हैंडल किया जाएगा। वहां हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन क्या करना पड़ेगा, जो तकनीक है उसे बदलना पड़ेगा। तो ये क्या थे हमारे पास कि फॉर्म ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, स्कूल के अंदर स्कूल में कौन कौन सी गाइडेंस सर्विसेज के प्रकार हैं, किस किस तरीके से गाइडेंस करी जा सकती है और उसके साथ साथ कौन सी बेसिक अजम्पशंस को हमें ध्यान रखना है और मेजर प्रिंसिपल्स जो है वो क्या होने चाहिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल के अंदर गाइडेंस प्रोग्राम को फॉलो कर रही है या उनको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।